Data cleaning can be done by various methods. One method is binning. Another method or important method is data modeling. जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि using statistical modeling techniques हम different statistics के model बनाते हैं और using those models we represent our data in the form of those models. अब होता क्या है जब वो model को follow करते हैं data हमारा तो using some characteristics of data model what happens is we can predict one variable from the other variable. Let's define this thing first. कि जब हम मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे डेटा ऑब्जेक्ट्स के हैं उन एट्रीब्यूट्स को हम ग्राफिकली कोई प्रेजेंटेशन देते हैं. अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के दरमियान लेट्स से वो दो ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट है क्या रिलेशनशिप है. अब वो रिलेशनशिप अगर एक लाइन की फॉर्म में तो हम कहते हैं दैट रिलेशनशिप इज अ लीनियर रिलेशनशिप. इसी तरह लीनियर रिग्रेशन एक हमारे पास टर्म यूज होती है. रिग्रेशन का मतलब हमारे पास होता है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा कि हमारे पास ऐसा डाटा जो नंबर्स की फॉर्म में है उसको अगर हम अंडरस्टैंड करें क्लासिफाई कर सकें डिफ्रेंशिएट कर सकें फ्रॉम अदर डाटा इसके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन. और अगर वो डाटा एक लाइन की फॉर्म में लाया करता है मीन्स कि अगर वो फॉलो कर रहा है इक्वेशन जिसको हम कहते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो एक लाइन की इक्वेशन है तो दैट डेटा इज फॉलोइंग द मॉडल ऑफ लीनियर रिग्रेशन. और इसी तरह एक मॉडल है क्लस्टरिंग का. आइए देखते हैं कि हम लीनियर रिग्रेशन से मुराद क्या ले रहे हैं और फिर क्लस्टरिंग से मुराद क्या ले रहे हैं. लीनियर रिग्रेशन में एज आई सेड वी ट्राई टू मेक अ लाइन विच फिट टू एट्रीब्यूट्स. इससे मुराद क्या है कि लेट्स से कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं ये हमारे पास एक्स है और वाई है लेट्स से और हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स यहां पे हैं और कुछ डेटा पॉइंट्स यहां पे हैं तो क्या इन डेटा पॉइंट्स के दरमियान हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो दैट लाइन बेसिकली इट डिफरेंशिएट दीज पॉइंट्स फ्रॉम दिस. अब हो क्या रहा है कि इसकी मदद से अगर कोई हमारे पास नया पॉइंट है लेट्स से यहां पे अगर है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वेयर दिस पॉइंट विल गो विल इट गो टू दिस क्लास और दिस क्लास. सो दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्शन ऑफ वन एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द अदर एट्रीब्यूट्स. तो अब इस चीज को फॉर्मलाइज करने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होगा जो वैल्यूज प्रिडिक्ट करके देगा बेस्ड ऑन दीज एट्रीब्यूट्स और दीज एट्रीब्यूट्स. तो अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है दैट गिव्स अस द बेस्ट फिट इन दिस पर्टिकुलर लाइन. मूविंग ऑन क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग से मुराद हमारे पास ये होता है कि डेटा को डिफरेंट क्लस्टर्स में ग्रुप्स में डिवाइड करना. अब क्लस्टर की दो प्रॉपर्टीज होती है कि जो वैल्यूज एक क्लस्टर के अंदर मौजूद हैं दे शुड बी वेरी सिमिलर टू वन एंड अदर वन यानी कि जो वैल्यूज एक साथ मौजूद हैं वो सिमिलर होनी चाहिए. व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जो वैल्यूज क्लस्टर के बाहर हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होनी चाहिए. अगेन अगर यहां पे हम एक अपनी फिगर एग्जांपल दें यहां पे लेट्स से कि अगर हमारे पास वैल्यूज हैं इस तरह की या इस तरह की या इस तरह की और एक वैल्यू लेट्स से यहां पे तो क्लस्टरिंग क्या होगी कि हम ये कहेंगे एक बॉक्स ये है एक बॉक्स ये है एक बॉक्स ये है तो जो वैल्यूज एक जैसी हैं वो सब एक क्लस्टर में आनी चाहिए. लेट्स से अगर एक वैल्यू यहां पे आ रही है मल्टीप्लीकेशन की लेट्स से सिंबल के लिए तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ दिस क्लस्टर. तो अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर हमारे पास लेट्स से कोई ऐसी वैल्यू है जो हमारे पास प्रेजेंट हो रही है इस शेप से लेट्स से तो अब ये एक आउटलायर होगी और हम इसे इजिली रिमूव कर सकते हैं. तो क्लस्टर में हमारे पास क्या है कि जो एक जैसा डेटा है वो अपने एक जैसे ग्रुप्स में आएगा और जो डिफरेंट है दैट विल बी पार्ट ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड.